तो गाइस ये है पेटीएम की तरफ से आने वाला भाई पेटीएम का केवाईसी लेटर, और ये जो लेटर आपको मिलता है भाई पेटीएम का वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पे काफ़ी लोग का काफ़ी कुछ क्वेश्चन था इसके बारे में कि ये जो लेटर है कितने दिन में हमको डिलीवर होता है, क्या यहाँ पे जो डिलीवर पर्सन है वो हमको कॉल करता है कि नहीं, और कैसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि जो फुल केवाईसी वो कितने देर में कंप्लीट हो जाएगी अगर ये लेटर आपको रिसीव होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और जितने लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए मैं बताता हूँ आप सबको यहाँ पे जो भी डाउट है वो क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले बताऊँ ये जो लेटर है वो कब रिसीव होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेते हो पूरी तरीके से, यानी कि पूरा जो वीडियो केवाईसी ना कंप्लीट कर लेते हो, तो यहाँ पर आपको जो लेटर है वो आपको 5 से 6 दिन में डिलीवर हो जाएगा। तो गाइस काफ़ी लोग यहाँ पे ये भी पूछते हैं कि उसको क्या हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि नहीं, यानी कि लेटर को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि नहीं, कि कहाँ तक हमारा लेटर पहुँचा है, कि हमको आउट फॉर डिलीवरी होने वाला है जैसे कुरियर का होता है। तो मैं बता दूँ हाँ आप ट्रैक कर सकते हो। ट्रैक कैसे करना मैं बताता हूँ, आपको सिंपली पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना है। पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली जाना है पेटीएम का केवाईसी ऑप्शन के अंदर। अब केवाईसी आपको यहाँ पर सर्च करके देख लेना केवाईसी, और जैसे आप केवाईसी के अंदर चले जाते हो यहाँ पर आपको मिल जाएगा चेक स्टेटस नाम का एक ऑप्शन रहेगा। जैसे उस पर क्लिक करोगे आपका जो लेटर है वो आपको कितने दिन में डिलीवर होगा वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब काफ़ी लोग के यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि ये जो ट्रैकिंग है इसको हम लोग किससे कर सकते हैं, यानी कौन से एप्लीकेशन से कौन से वेबसाइट से। तो सबसे पहले बताऊँ ये जो लेटर है वो आता है कि कोई भी कुरियर कंपनी से आ सकता है, ज़्यादातर डिलीवरी नाम का एक कुरियर कंपनी उससे आता है, लेकिन अगर आपके एरिया में ये कंपनी अवेलेबल नहीं है तो ये पोस्ट के द्वारा भी आ सकता है। अब काफ़ी लोगों का सवाल ये भी है कि पोस्ट के द्वारा जो लेटर आपको आएगा उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते, ऐसा काफ़ी लोग कहते हैं। अब मेरा तो डिलीवरी कंपनी से आया यानी कि कुरियर कंपनी से आया, तो मेरा जो लेटर वो ट्रैक करने का ऑप्शन उसमें आ गया था। एक ट्रैकिंग आईडी मिलती है, वो जो आईडी जैसे ही आप क्रोम के अंदर यहाँ पे डालते हो जो वेबसाइट के अंदर, वैसे ही आपको जो लेटर है वो उसका ट्रैकिंग मिल जाता है यहाँ पे, यानी कि लेटर आपका कहाँ तक आया वो सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जो लेटर है वो आप ऐसे ट्रैक कर सकते हो भाई, काफ़ी अच्छा भी है, यहाँ पे ऑप्शन देते हैं आपको यहाँ पे ट्रैक करने के लिए, और उसका जो डिलीवरी बॉय का फोन नंबर भी मिल जाएगा जैसे ही आउट फॉर डिलीवरी यहाँ पे आपका लेटर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई जो कुरियर वाला है वो कॉल करता है कि नहीं आपको, या फिर सीधा आपके एड्रेस पे डिलीवर कर देता है। तो यहाँ पे जो डिलीवर वाला जो कुरियर बॉय होता है वो आपको फ़ोन ज़रूर करेगा, अगर आपको फ़ोन नहीं लगता तो आपके एड्रेस के ऊपर डायरेक्टली यहाँ पे उस भेज देगा लेटर को। उसके बाद एक और यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कैसे इसको आप कर सकते हो, यानी कैसे केवाईसी को आप स्कैन कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे आपका लेटर आ जाएगा ना, तो लेटर को आपको सिंपली स्कैन करना है। मैं आपको बता दूँ लेटर आप कैसे स्कैन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर जो लेटर है उसको यहाँ पे ओपन कर लेनी है। अब एक और बात यहाँ पे छोटा सा ये कि जो आपका लेटर आपको देखने के लिए मिलता है वो लेटर सिर्फ लेटर के अंदर ही आपको क्यूआर कोड देखने में मिल जाएगा, यानी कि अगर आप लेटर को यहाँ पे ओपन करते हो तो कोई भी उसके अंदर कोई भी पेपर नहीं देखने को मिलेगा। जो लेटर है वो खुद एक पेपर के द्वारा यहाँ पे प्रिंट होकर आता है, और उसी लेटर के अंदर क्यूआर कोड भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको सिंपली खोलना है, और खोलने के बाद चलिए दिखाता हूँ केवाईसी कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइस अभी बताऊँ कैसे आप यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। सिंपली आपको जो क्यूआर कोड है ना जो लेटर में आपको मिलता है उसको ओपन कर लेना। मैं देख लो यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे ओपन हो रहा है, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसको आपको ओपन कर लेना जैसे मैं ओपन किया हूँ। ओपन करते हो बट ध्यान से ओपन करना, नहीं तो आपको जो क्यूआर कोड है वो भी फट सकता है। तो यहाँ पर जैसे आप इसको ओपन कर लोगे, ओपन करने के बाद सिंपली इसको आपको स्कैन करना है। अब स्कैन भाई काफ़ी जल्दी हो जाएगा, यहाँ पर स्कैन आपका पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करना है, और जैसे ही आप किसी को भी पेमेंट करते हो वो वाला स्कैन पे आपको ओपन करना है। कोई भी आपका फोन का क्यूआर वाला ओपन नहीं करना, आपको पेटीएम का स्कैनर ओपन करना है। वहां पे जो कोड देखने को मिलता है आपको यहाँ पे पेटीएम का एक कोड देखने को मिलेगा, उसको यहाँ पे स्कैन करना है। अब आप जैसे इसको स्कैन कर लोगे आपका यहाँ पे वेट करने के लिए बताया जाएगा, यानी कि लोडिंग लेगा। अब जैसे यहाँ पे लोडिंग कंप्लीट होगा, लोडिंग कंप्लीट होते ही आपका जो पेटीएम का जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से आपको जो लेटर का काम है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब काफी लोग यहाँ पे सवाल है कि भाई केवाईसी कब तक कंप्लीट होगा होने के बाद। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने यहाँ पे स्कैन करके लेटर को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, वैसे ही एक मिनट के अंदर मैंने जैसे ही पेटीएम एप्लीकेशन खोल के प्रोफाइल सेक्शन में जाना, वहाँ पे जाके जैसे आप केवाईसी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका जो केवाईसी वो तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जैसे ही लेटर आपको रिसीव होगा स्कैन करते हो, स्कैन करते ही आपका एड्रेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद सिंपली आपका जो केवाईसी है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, और आप सारे जो पेमेंट्स है वो कर पाओगे पेटीएम के द्वारा, जैसे कि वॉलेट से बैंक ट्रांसफर, पेटीएम वॉलेट से बैंक
में लेना पैसा, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, बस आपको यहाँ पे ध्यान देने कि एड्रेस आपको सही डालना है, वरना लेटर आपको आने में आपके पास यहाँ पे काफ़ी टाइम लग सकती है। तो गाइस काफ़ी लोगों का और भी सवाल था कि क्या हम लोगों ने अगर अपना एड्रेस चेंज कर लिया बट आधार कार्ड में एड्रेस चेंज नहीं हुआ तो क्या हम लोग दूसरे एड्रेस पे अपना जो लेटर मंगवा सकते हैं। तो मैं बता दूँ, हाँ मेरा भी सेम वैसे ही, मेरा पुराना एड्रेस था आधार में, लेकिन मैं दूसरे एरिया में रहता हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पर भी इसको मंगवा लिया। और अगर आप कोई दूसरे सिटी में भी रहते हो, अगर आपका आधार कार्ड में पुराना एड्रेस है पुराने एरिया का कहीं का भी, तो फिर भी यहाँ पर चल जाएगा। आपको बस यहाँ पर एक न्यू एक ऑप्शन रहता है कि यहाँ पर चेंज करंट एड्रेस, वहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे KYC कंप्लीट करते टाइम, तो वहाँ पर आपको न्यू एड्रेस पूछा जाएगा जहाँ पे आप रहते हो। जैसे ही वहाँ का आप डिटेल्स यहाँ पर दे देते हो, आपका जो लेटर है वो आपके घर पे यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। और यहाँ पे पेटीएम को यहाँ से प्रॉब्लम नहीं करेगा कि आधार कार्ड वाला एड्रेस ही चाहिए, कोई भी एड्रेस चलेगा। तो गाइस यही था आज का वीडियो, अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।